चलिए सब कुशल मंगल, आइए देखिए। इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म कब निकलता है, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म कब भरा जाता है। ठीक है, अभी देखो 2023 आने वाले हैं, मतलब अगले साल, इस साल फॉर्म भरे जा चुके हैं ऑलरेडी, प्रारंभिक परीक्षा भी हो चुका है। ठीक है, तो इस बार अब फॉर्म नहीं निकलेंगे, तो 2023 में अब फॉर्म जो है भरे जाएंगे। किस मंथ में निकलता है, तो यह फरवरी और मार्च के मंथ में जो है, ठीक है, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके फॉर्म निकलते हैं, रिलीज किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा। ठीक है, या तो लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के महीने में प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में जो है नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ में आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फी एकदम कम है इसका, ठीक है, मात्र 100 इसके चार्ज हैं, जनरल वालों का और SC ST वालों का मुफ्त है। ठीक है, तो फरवरी और मार्च के मंथ में जो है प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस भी स्टूडेंट का जो है प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर हो जाता है, या फिर जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, वो जो है फिर मिड अगस्त, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के एग्जामिनेशन जून में होते हैं, तो जून के 20 से 25 दिन के अंदर इसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो मिड जो है अगस्त आते आते तक जो है फिर मेंस DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 जो है ये भरे जाते हैं। इज दैट क्लियर? मेंस DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ये मिड अगस्त में इसका फॉर्म भरे जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में जो भी फॉर्म भरे जाते हैं वो अलग होता है, मेंस के लिए अलग होता है। इसमें आपको अपना डिग्री जो है मतलब ग्रेजुएशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये सब स्कैन करके या मार्कशीट स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं। 10th और 12th के भी मार्कशीट और डिग्री अपलोड किए जाते हैं, फ़ोटो वगैरह या सिग्नेचर वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं इसमें अपलोड किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपको यूपीएससी और आयोग को यह बताना होगा कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे आप फुलफिल करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मेंस DAF 1 इफ़ यू आर क्वालिफाइड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? सो ये मिड अगस्त तक फॉर्म फिलअप होते हैं। इसके बाद जो मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं और इंटरव्यू के लिए जो है कट ऑफ से मतलब ले आते हैं, तो इसमें फिर से आपको एक जो है DAF 2 भराया जाएगा, वह इंटरव्यू के लिए होगा। लेकिन मुख्यतः ये दो प्रमुख हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के स्टेज आते आते तो वो स्पेशल विद्यार्थी होते हैं, उनको सब चीज़ उतना ध्यान में आ जाता है। लेकिन 2023 के मिड फरवरी और मार्च के महीने में प्रारंभिक परीक्षा के एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत सारे क्वेरीज इसी को रिलेटेड आते हैं कि कब फॉर्म निकलते हैं, कब भरे जाते हैं। ठीक है, फी बहुत कम है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें अप्लाई करते हैं, 10 to कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है 15 lakh, 10 to 12 lakh इसमें अप्लाई कर ही देते हैं, ऐसा कोई इसमें मतलब भीड़ तो बहुत होता है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा आधे लोग ही इसमें जो है अपीयर होते हैं। तो ये चीज़ है, और इसके एग्जामिनेशन डेट नेक्स्ट ईयर का भी देखो कैलेंडर रिलीज कर दिया जा चुका है। ठीक है, इसमें फरवरी और मार्च में ही हर साल यूपीएससी, इस COVID-19 के दौर में थोड़ा बहुत उलटफेर बीच में हुआ, लेकिन यह एक प्रकार से कहो ना कि इसमें इसके एग्जामिनेशन हर एक साल कंडक्ट कराए जाते हैं। और अगर आप एनुअल कैलेंडर को एनालाइज करेंगे, आप उसका विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर एक साल के फरवरी या मार्च के महीने में फॉर्म इसके रिलीज कर दिए जाते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप फॉर्म भी वहीं जाके अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर। So that's all, and if there were any queries related to this examination and particular this topic, take a form kab nikalta hai, you may comment in the comment box. So that's all, thank you, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again, have a great day.